अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं एक नवी वीडियो के नाल हाजिर हाँ। साडा चैनल है पेंडू मुंडा, तो मेरा नाम है हसन रसूल, जिन्हों मोटा भाई बुलाते हैं। तो मेरा एक होर दोस्त है, उनका नाम है खिदर हजात। हूँ तो असं चलने हैं वीडियो की तरफ। हम थोखाने कि आ सखी हुई है जमीन के आली, आ पाले गड़ीजी हुई है कणक, उन्हें उत्तू बाह के आखो जी गो हाली आली सट दिती है। तो यह जनाब जी मझा भैंसा के गोहे के नाल आली बनती है। तो हम थोड़ा होर भी विखाने हैं। जनाब जी जेड़ा आ है आ बकरियां दी मेंगणा हैं। तो ये जनाब जी आली तो खाद नालों ज़्यादा ताकतमंद होती है। आखो जी छोटिया छोटिया बकरियां दी मेंगणा हैं। आखो जी आली उन्हें सटी हुई है। ये आली खाद नालों भी ज़्यादा ताकतमंद होती है। तो फसल नूं सही तंदुरुस्त रखती है, तो नाल वजन भी वधांदी है। अगे गै थोनू विखाने हैं कि आली किवें सटी दी है, किवें नहीं सटी दी। वेखो जी पाले असी रेड़िया थे लिया है घर डो के, तो मुड़ इन्हों की छोटिया छोटिया डेरिया लगाने हैं। हम थोनू विखाने हैं कि डेरिया तो बाद असी की करने हैं। ढेरिया बनिया पियां, तो असी ढेरिया बना के तो फिर जनाब जी जमीन दे विच सुट दित्ती है। वेखो जी आज कुछ वड्डी वड्डे रोड़े हैं, इन्होंने असी सवार के फेंक के तो मोड़ जनाब जी ये सही हो जा सन। वेखो जी आ कुछ सही है, कुछ वड्डे वड्डे रोड़े हैं, इन्होंने सीखें जैसा है तो मोड़ जनाब जी इन्होंने ये वड्डे रवान तो सू फायदा नहीं देंगे, जो छोटे हो जावन तो फिर सू फायदा ही सही देंगे। हाँ जी वेखो भाई साहब जी पाले इन मकई गड़ीजी हुई आई, उन्होंने मकई वड के तो जनाब जी जमीन जी है वो भाई साहब और इन्होंने वाह वू के पहले मक्की का आ मकई वेखो जी आ इन्ना देसी मकई का बीज सटिया है। आ वेखो जी अगे अगे हम थोन विखाने हैं कि आ भाई साहब जी बन्ने पा रहे हैं। आ वेखो जी एक ना बन्ना इन पाया है कि भी जे आ किनारा भरिया जाए क्यारा तो इदू है बन्ने नु त्रोड़ के उदे पानी सही लग जाए, तो आ किनार बन्ना ना बिच पाइए तो फिर आ किनारा होंगे ही राशी तो वह अगर पानी नहीं जाना। अगे अगे आ जाओ जी हम थोन खाने बन्ने क्या बना देते हैं। इसको भाई साहब और जी की हाल चाल है? ठीक अल्लाह का एहसान। इसको जी भाई साहब और बन्ने बांधे पैन फिर आ जाओ तुसी ना वीडियो चा पे आए। अब भाई साहब और काम करते पैन बाद असी भी इन्हों की हेल्प कर सें कि काम होंगे। आ वेखो जी हम भाई साहब की असी भी हेल्प करने हैं। थोड़ा थोड़ा हौली चप्पा मार के नाल लाइए बस मैं गुरे पास कर ले इन्नी बड़ी हूँ असि भाई साहब नू सा गडा रहे हैं। लो जी हूँ वेखो जी आ है ज्वार, जिन्हों जनाब जी मझा वास्ते चारे वास्ते भी इस्तेमाल करीदा है, तो जेड़ा इंसान होंदा है वह इनू खा भी सकता है।
ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਿੱਠਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ खा भी सकने हैं। तो ये गन्ना जी ए मिठा है। आवे को जी आज ए नहीं मिठा। तो जेड़ा मियासा आ सीटा है ये तो पक जाएगा इन्हें असं फिर उतार के वेचांगे ये वेचन के काबिल इस्तेमाल होएगा। देख लो आकाश से ज्वार खलोती है ये साढ़े बड़ी मशहूर मंद है ये मझा ने भी चारा है इंसान भी खा सकता है उस बाद जो तू आ सीटा उतार के इन वेचा भी जा सकता है इन बहुत सारी कसीटें हैं जिंदी वजह तू इस इन बीजने हैं। अच्छा जी पट्ठे ज्वार का रेट है जनाब जी 6000 रुपए इन कोई खरीदना चाहता है तो वह 6000 खरीद सकता है। ये इंज है कि जिमें सोने का भाव होंगे उमें ज्वार इन्नी महंगी है। हाँ जी दोस्तों साड़ी इस वीडियो नू लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।